हरिओम। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलें? कंफर्ट जोन से होने से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कंफर्ट जोन में क्या है, तीन किस्म के वो हैं, गुण है। तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तमोगुण हो गया कुंभकर्ण, जो सोया रहता था 6-6 महीना। रजोगुण हो गया रावण, सतोगुण हो गया विभीषण। तो अभी उस कंफर्ट जोन कौन है जो उस पे लेटा हुआ है, उस कंफर्ट से कैसे उतरेगा? वो तामसिक है, तुम्हारा बच्चा घर में है, हमने क्या करना है, सब तरीके अपनाने हैं। ओम चार्ज कर करके उसको पानी देना है। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है विद गुड वाइब्रेशंस। वो कैसा है, जिसने सत्संग सुना होगा, कैसे नारद इतने बड़े वो बने, बेटा कि उसकी माँ कैसी थी, कैसे प्रेरणा होगी उसके अंदर, कैसे स्वभाव होगा। कोई शिकायतें शिकवे नहीं होने चाहिए, तभी हम ये सब पा सकेंगे। आप जानते हो शिकायत में क्या क्या आता है? शिकायत में आता है शकुनी, महाभारत वाला शकुनी। श हो गया शकुनी, क हो गया कंस, य से हो गया जमराज, त से हो गया तामसिक, तम। और शुक्राना करोगे, शुक से श हो गया शंकर, कृष्ण, राम, नानक। तो हमेशा शुक्राने करोगे तो चार देवता हमारे मुख पर हैं, शिकायत करोगे तो चार असुर हमारे मुख पर हैं। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? सिर्फ जिसको आराम चाहिए। हमारा कंफर्ट जोन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे साथ हमेशा रहने वाला कौन है? कंफर्ट जोन। हमें सबसे ज़्यादा सुख देने वाला कौन है? कंफर्ट जोन। हमें भगवान से दूर रखने वाला कौन है? कंफर्ट जोन। बुद्ध तो कहाँ थे? भगवान तो महलों में थे, अपने कंफर्ट छोड़े तो बने ना। गुरु नानक भी, महावीर, बुद्ध, जितने भी हम आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ा तो इधर पहुँचे ना। तो हम सबको भी तो थोड़ा 10% 15% हमें उन सत्पुरुषों के आचरण पे चलना है कि हमारा जीवन भी सुधरे, हमारा नाम भी अवतारों में आए। अभी देवताओं में आया है, सब देवता देने की, देखो कैसे देने वाला देवता है। जो कुछ भी हम देते हैं वो देवता बनाता है, फिर हम अवतारों में नाम आ जाएगा। तो कंफर्ट जोन किस किस में होता है? धन का, तन का, मन का, बुद्धि का, अध्यात्म का। कितनी मेहनत है दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान की, मक्खन निकाल कर वो लोग गए हैं, और हम उसकी कदर करें, उस पे चलें। सो दैट ऐसे टाइम पे जब कलयुग का पीक टाइम है, उस टाइम पे हम कितनी थोड़ी आत्माएं होंगी जो अच्छी वाइब्रेशन के कारण अभी भी हम बैठे हुए हैं, जहाँ अच्छी व सत्कर्म चल रहा है, धर्म है, हमारे इधर संस्कार अच्छे हैं, तो हमारे जहाँ वैसी मारा मारी नहीं है, भगवान करे हो भी नहीं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हम सब प्रे करें, आल जितनी सतयुगी आत्माएं हैं, ज्ञान सुन रही हैं, वो सब प्रे करो कि भगवान जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए, और जो चली गई हैं उन आत्माओं के लिए हम प्रे करें। तो अपना कंफर्ट छोड़ोगे तो उसी में तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। तो कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही नियम है, जो झुकता है वो पाता है। तो वो होगा कब? जब कंफर्ट जोन से उठेंगे। एक पाँव चलते हो, दो पाँव से तो हम नहीं चल सकते हैं, तो एक पाँव उठाना पड़ता है तो दूसरा आगे बढ़ता है, अपना आराम छोड़ना पड़ता है। घर में कोई आ जाता है, अगर फुल टाइम सर्वेंट नहीं है, आप अपना आराम फिटा के तभी ट्रे लेके जाओगे, पानी दोगे, चाय पूछोगे। दिस ऑल कंफर्ट जोन। ये सब चीज़ें आज आप सत्संग भी सुन रहे हो तो कंफर्ट जोन से निकल के सुनोगे ना। पहले काम वाम कर लिया, जल्दी 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 सुनना है, फिर आके आप बैठोगे ना ये सुनने के लिए। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तभी हम सेवा में लग सकेंगे। सो आज का टॉपिक ही है तमोगुण से टोटल निकलना। कंफर्ट जोन में आना माना तमोगुण बिल्कुल नहीं, अपने को फिट रखो। रोज़ आपको वाणी मिल रही है, 1-2 घंटा अपने अपने को दो, शुरू शुरू करो बेड के ऊपर से। जल्दी उठने की आदत डालो, आदत खराब मत करो।
और बस उसके बाद 2 घंटे अपने को देके और बाकी जीव अपने परिवार वालों को देना है, जो भी सामने आ जाएगा हमारे से सेवा भी हो जाए, बस इतना काम है और क्या है। तो अगर गुस्सा आता है इन दिनों में तो अकल को खा जाएगा वो। अकल रखो कि कोविड का टाइम है, मुझे इतना ज्ञान सुन रही हूँ मैं, आपसे दूसरे सीख जाएं। मैं सबको पेशेंट समझ के कर चलती हूँ सबके साथ। डॉक्टर क्या करता है, सबको पेशेंट, वो नाराज़ होता है पेशेंट के ऊपर। तो सब भी ये डॉक्टर कोविड के टाइम अपने घर वालों का। अहंकार जो है वो मन को खा जाता है, चिंता जो होगी वो आयु को खा जाती है, और प्रायश्चित जो होगा वो पाप को खा जाएगा। हमें सिर्फ प्रायश्चित तो करना है कि क्या करा जो सृष्टि ने हमारे को इतना ज़्यादा सजा दी है कि देखो सुधर जाओ, क्या करा है हमने। कंफर्ट जोन का मीनिंग ये, हम शरीर में हैं। हमारे दादा भगवान का ज्ञान क्या था, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। शरीर है एक गाड़ी, गाड़ी को हमने फिट रखना है, सारे टायर वगैरह सब ठीक है, कोई पंक्चर नहीं है। ऐसे ही हमें शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, अपनी चेकिंग करनी है, चेक करना है, अपना ठीक रखना है, लेकिन हम पूरा उसी में लग जाते हैं। शरीर कभी भी पूरा पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी हम उसकी पवित्रता की कोशिश करते रहते हैं। और मन जो अपवित्र है उसको पवित्र करना है, मगर अफसोस कोई कोशिश ही नहीं करता है। मन पवित्र है तो शरीर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम सिर्फ शरीर में लगे होते हैं। आप कभी देखा है, आप कोई मैकेनिक को बुलाओ, कभी कोई फ्रिज खराब होगा, एसी खराब होगा, माइक्रोवेव खराब होगा, वो मैकेनिक क्या करेगा, उसको खोल लेगा, अंदर से उसको ठीक करेगा। हमको अंदर से ठीक होना है, बाहर से नहीं। बुद्ध अंदर से ठीक हुए, बाहर से क्या था, गेरुआ कपड़ा। किसी एक को देखा था उन्होंने जाते हुए, तो क्या करा कि ये मरता भी है इंसान, ये बूढ़ा भी होता है, तो उसने बोला चलो छोड़ो इस संसार में क्या करना है जी के। तो उसने राजसी कपड़े, सब राजाओं ने, राम ने उतार दिए, बुद्ध ने उतार दिए, और फिर मीरा ने देखो, और फिर कहाँ गए, अपने सारे कंफर्ट जोन छोड़े ना उन्होंने, महल छोड़े ना। और देखो भगवान भी चलाक है, उसको पता है दुनिया मेरे को ताने देगी कि अमीरों को पसंद करता है गरीबों को नहीं, तो कितनी दिमाग है भगवान का। उसने सब महलों में रहने वालों को बाहर निकाला, और कबीर कुटिया में रहने वालों को भी रखा, कबीर को भी रखा कि लोग मेरे से बातें नहीं करें। ऐसे हम क्यों नहीं बन सकते, भगवान ने शरीर अपनी तरह दिया, बुद्धि भी दी, लेकिन बुद्धि, अब बुद्धि को उसने बोला तू खुद यूज़ कर, वो सब खजाना पड़ा है हमारे पास। एक हंसता हुआ चेहरा ये नहीं बताता है कि दुख नहीं है, बल्कि ये बताता है कि उसके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। ये चीज़ है, दुख आया है उसको संभालने की क्षमता है। गेट आउट करना कितना आसान है और एडजस्ट होना कितना मुश्किल है। हमको ज्ञानी क्या करता है, जिसने मोक्ष पाना है वो सब डिफ़िकल्ट काम करता है, सब डिफ़िकल्ट काम करता है। ज्ञानी को पता है ये धन का अहंकार क्या करूँ, अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा, इसलिए वो अहंकार नहीं करता है। किस तन पर अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा सकता है। इसी तरह सिकंदर ने बोला था ना, सिकंदर जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिले, उन्होंने बोला, संत ने बोला क्या 100 फीट दूरी पे था उसका घर, क्या पहुंच सकोगे। बोलते ये क्या बोल रहे हो, अभी पहुंचे ही 100 फीट दूरी के घर था तो इतने में श्वास रुकने लगी। अपने बाकी लोगों को बोला उस संत को बुलाओ, उसने ऐसा बोलो, उसे बोलो मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे श्वास दे दे। सिकंदर जैसे को एक श्वास नहीं मिला था। तो फिर उसने बोला था जब मैं मेरा जनाजा लोगे, तो एक ही जनाजा था दुनिया में, मेरे दोनों हाथ नंगे रखना बाहर, दुनिया को पता चले मैं एक सुई भी लेके नहीं जा रहा हूँ। नर्सरी से शुरू करोगे तो पीएचडी तक पहुँचते हैं ना,
सो मोक्ष पाना है हमने, भवसागर भी पार करना है, बार बार दुनिया में आना भी नहीं है, गुरु भी शायद बार बार नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो इसी जन्म में सारे कंफर्ट जोन से निकल के विल बिकम द वॉरियर ऑफ गॉड। ठीक है, हरिओम, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।